आज है 17 अक्टूबर 1967 का प्रातः क्लास। मीठे मीठे बच्चे,
यहाँ आते हैं रूहानी बाप के पास रिफ्रेश होने, फिर रिफ्रेश होकर के वापस जाते हैं, तो जरूर कुछ करके दिखाना है। कौन से बच्चों की बात बताई? रूहानी बच्चों की बात बताई। कुछ करके दिखाते हैं। एक एक बच्चे को सर्विस का सबूत देना है। सर्विस का सबूत क्या होता है? अरे सर्विस का सबूत होता है नया वारिसदार निकालना। कोई की सेवा करेंगे तो बाप का बच्चा बनेगा, बाप का बच्चा बनेगा, संदेश लेगा, पहली बात कोर्स करेगा, फोर्स भरेगा, भट्टी करेगा, फिर औरों की सेवा करेगा, तो सर्विस का सबूत तो आवेगा ना। जैसे कोई कोई बच्चे कहते हैं हमारी सेंटर खोलने की दिल है, तो ऐसे ही सेंटर खोलने की दिल थोड़ा ही हो जाएगी। कोई ने सेवा की होगी तो साबित होता है कि सेवा का फल है। गांव में भी सर्विस तो करनी है, तो बच्चों को सदैव ये ख्याल रखना चाहिए, हम मनसा वाचा कर्मणा तन मन धन से ऐसे सर्विस करें जो भविष्य की जन्मों का एवजा बाप से हमको मिले। तेसठ जन्मों का एवजा की बात नहीं कही। क्यों? तेसठ जन्मों का एवजा किससे मिलता है? हैं? यहाँ संगम युग में जैसे जैसे पुरुषार्थ करने के हमारे संस्कार पड़ते हैं, उन तीव्र या धीमी गति के संस्कारों के अनुसार हमारे 21 जन्मों की प्रारब्ध बाप से मिलती है, और फिर 21 जन्मों के आधार पर 63 जन्मों का भी हिसाब किताब बन जाता है। तो यही हमको होना है। हम कुछ करते हैं, कोई को ज्ञान देता हूँ, सारा दिन यही ख्याल आता नहीं चाहिए। बल सेंटर खोलो, परंतु घर में स्त्री पुरुष में अनुबंध नहीं होनी चाहिए। सेंटर खोलने वालों के घर में भी कोई घमासान न रहे। सन्यासी लोग घर के घमासान से निकल जाते हैं। घर के घमासान को डोंट केयर करके चले जाते हैं। फिर गवर्नमेंट उनको रोकती है क्या? वो तो सिर्फ पुरुष ही निकलते हैं। अभी तो कोई कोई माताएं भी निकलती हैं। किसका कोई धनी धोरी नहीं होता है या वैराग आ जाता है, दोनों को भी सन्यासी पंडा लोग बैठ सिखलाते हैं, उन द्वारा अपना धंधा करवाते हैं, उन सन्यासियों आदि के पास पैसे तो बहुत ढेर रहते हैं। वास्तव में घर बार छोड़ा तो पैसे रखने की दरकार नहीं रहती है।
तो अब बाप तुम बच्चों को समझाए रहे हैं, क्या समझाए रहे हैं? कि जो ईश्वरीय सेवा में अर्पण हो जाएं, अपना लौकिक घरघाट से तो कनेक्शन टूटा, तो उनको अपने पास कोई पैसा आदि रखने की दरकार नहीं है। जो भी मिलता है वो सब ईश्वरीय सेवा में अर्पण करते जाए। हर एक की बुद्धि में आना चाहिए, हमको एक ही धंधा करना है, बाप का परिचय देने का। मनुष्य तो कुछ जानते नहीं है, तो परिचय देंगे कहां से? वो तो बेसमझ है। तुम बच्चों के लिए बाप का फरमान है, मीठे मीठे बच्चों, तुम अपन को आत्मा समझो। पहली मुख्य बात ये है, ऐसे नहीं ज्ञान सुनाने वाले पंडित ही बन जाओ। ज्ञान सुनाने के साथ साथ क्या बात पक्की रहनी चाहिए? हम ज्ञान सुनाने वाली आत्मा, मनोबुद्धि रूपी ज्योति बिंदु स्वरूप हैं, हम देह नहीं हैं। अगर ये स्मृति नहीं रहती समझाते समय, बेबान में आ जाते हैं, तो जैसे दुनियावी पंडित होते हैं वो भी देहवान में आकर के शास्त्रों का ज्ञान सुनाते हैं, समझते हैं ये ज्ञान हमने अर्जन कर लिया, हमारा हो गया। तो पंडित नहीं बनना है, बहुत पुरुषार्थ करना है आत्म की स्थिति का, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। कहते हैं बाबा हम घड़ी घड़ी भूल जाते हैं और संकल्प आ जाते हैं। बाबा कहते हैं वो तो आवेंगे ही, क्यों आवेंगे? हैं? वो संकल्प ढेर के ढेर जो आ जाते हैं, हम बार बार प्रयास करते हैं बाबा की याद में बैठने का, तो और दूसरे दूसरे संकल्प क्यों आ जाते हैं? क्योंकि अभी शूटिंग हो रही है, 84 जन्मों की रिहर्सल हो रही है, तो रिहर्सल के टाइम में वो सब कुछ आवेगा जो हमने पार्ट बजाया है। इसलिए बाबा कहते बनी बनाई बन रही, अब कछु बननी ना है। 63 जन्मों में जिसने जिसने जैसे जैसे अच्छे या बुरे कर्म किए हैं, वैसी वैसी रील घूमती रहती है। अच्छे कर्म किए हैं वो रील उदित तो होती है, तो ऑटोमेटिक बढ़िया पुरुषार्थ चलता है, और बुरे कर्म उदित तो होते हैं तो कितना भी मेहनत करें पुरुषार्थ होता ही नहीं, बार बार याद भूल जाती है। इसलिए बोला कि ये संकल्प विकल्प को आवेंगे ही, फिर भी तुमको बाप की याद में रह करके सत्व प्रधान बनना है। आत्मा जो इम्प्योर है उनको परमपिता परमात्मा की ही याद करके प्योर बनाना है। बाप ही बच्चों को डायरेक्शन देते हैं, हे फरमान बरदार बच्चे, तुमको फरमान करता हूँ,
मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कटेंगे। पहली पहली बात ये सुनाओ, किसको याद करने से पाप कटेंगे? जो सदा ही निरंजन निराकार निर्विकारी निरहंकारी, उसकी याद करने से हमारे पाप कट जाएंगे। वो सदा शिव है, और दुनिया में कोई भी सदा शिव, सदैव निराकारी निर्विकारी निरहंकारी नहीं है। उसको पहचानना है, पहचान करके फिर उसे याद करना है। पहली पहली बात ही सुनो, निराकार शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो। कहने वाली आत्मा कौन सी है? जिसमें प्रवेश किया वो साकार शरीरधारी की आत्मा है, वो कहती है मुझे याद करो, या उसमें मुकर रूप से प्रवेश करने वाली निराकार निरंजन आत्मा है? और जो भी देहधारी आत्माएं हैं उनको निराकारी स्टेज लाने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। शंकर भी किसकी याद में बैठा है? क्यों बैठा है? याद ही तब किया जाता है जब कुछ प्राप्ति होती है। तो जो ऊंचे से ऊंचे देवता है उसको ही याद में बैठा हुआ दिखाई दिया, तो और जो नंबरवार देवता बनने वाली आत्माएं हैं उनको भी याद तो जरूर करना ही पड़े। लेकिन किसको याद करना पड़े? कोई भी देहधारी को याद करने से नहीं होगा कि राम को याद कर ले या कृष्ण को याद कर ले या उनके अंतिम जन्म के चोले को याद कर ले। नहीं, जब याद करें तो किसके कर्तव्य याद आना चाहिए, किसकी वाणी याद आना चाहिए? शिव बाप बोलते तो रामकृष्ण के अंतिम चोले के हैं, लेकिन बोलने वाली आत्मा कौन सी है? शिव की आत्मा है, नाम ही है शिव, उनकी देह का नाम तो नहीं है। काय का नाम है? उनकी बिंदी का ही नाम शिव है। नाम काम के आधार पर पड़ते हैं, वो बिंदी कैसे काम करेगी? फुदक फुदक के जंप लगाएगी? नहीं, कोई न कोई शरीर में प्रवेश करेगी, प्रवेश करके पार्ट बजाती है। अब पहचानने वालों के ऊपर है, इसलिए बाबा पूछते थे किसकी गोद में आए हो, तो कोई बच्चे कहते थे बाबा हम ब्रह्मा बाबा आपकी गोद में आए हैं, तो बाबा कहते थे एक ही शरीर है और आत्मा है दो, तो किसकी गोद में आए, किसकी गोद में आने से फायदा, किसकी स्मृति से फायदा? शिव बाबा की स्मृति रहे कि हम शिव बाबा की गोद में आए हैं। नहीं तो ब्रह्मा वाली सोल तो पीछे भी 63 जन्म ले चुकी है, कृष्ण की सोल या राम की सोल पहले भी तो उनके संग के रंग में आए थे, तब क्यों नहीं उद्धार हुआ? उद्धार हुआ कि नीचे गिरते गए, नीचे गिरते गए। तो बोला मुझे याद करो, पहली पहली यह बात सुनाओ, मैं ही पतित पावन हूं, मेरी याद से विकर्म विनाश होंगे,
और कोई उपाय नहीं है, और न कोई ये उपाय बता सकते हैं पतितों को पावन बनने का। मैं आकर के बताता हूँ, ये रामकृष्ण भी बताने वाली आत्मा नहीं है, सिर्फ एक ही है जो पतितों को पावन बनाने का रास्ता बताने वाली आत्मा है। ढेर के ढेर सन्यासी आदि निमंत्रण देते हैं कॉन्फ्रेंस में आकर के शामिल हो जाओ, कितनी कॉन्फ्रेंस आदि करते रहते हैं, अब उनके योग से तो किसी का कल्याण होना नहीं है। ढेर योग आश्रम है जिनको इस योग का बिल्कुल पता नहीं है, वो बाप कोई नहीं जानते। जो राजयोग सिखाने वाला बाप है, जिस राजयोग को सीख करके लक्ष्मी नारायण जैसे बड़े बड़े देवताएं महाराजा बने, राजा बने, सतयुग त्रेता के राजा महाराजा बने, राजाई के संस्कार धारण किए, उस राजयोग सिखाने वाले को कोई नहीं जानते। बेहद का बाप ही आकर के राजयोग सिखाते हैं। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा के तन में आते हैं, ज्ञान सुना के चले जाते हैं, फिर कोई मनुष्य गुरु राजयोग सिखाते हैं। राजयोग सिवाय एक परमपिता परमात्मा के कोई सिखा ही नहीं सकता। ये तो संग का रंग लगाने वाली बात है, ज्ञान सुनाने से राजयोग नहीं हो जाता। संसर्ग संपर्क में आना पड़े, संबंध में आना पड़े, इसलिए बाप कहते हैं मुझे एक बाप से सर्व संबंध जोड़ो, सब प्रकार के संबंधों की रचना मुझे एक से मिलेगी, तो और जो लगाव हैं वो सब टूट जाएंगे। ऐसे करेंगे तो तुम बच्चे बाप समान बन जाएंगे। बाप तुम बच्चों को आप समान बनाते हैं ना, जैसे मैं निराकार हूं है, कैसा आप समान बनाते हैं है? जैसे मैं निराकार निर्विकार निरहंकार हूँ, मेरी याद से तुम भी निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बन जाएंगे, एक जैसा बन जाएंगे क्या? सब एक जैसा निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बनेंगे? एक जैसा पुरुषार्थ होता ही नहीं। हजारों बोरा अनाज रखा होता है, वो भी तो बीज है। मान लो गेहूं के बीज हैं, खेत में बोए जाते हैं, उनसे पौधे निकलते हैं। हजार बोरे गेहूं के दानों में से एक पौधा भी कोई दूसरे पौधे से पूरा मिलता है? नहीं मिलता ना। ऐसे ही तुम आत्माओं में भी जन्म जन्मांतर के अलग अलग प्रकार के संस्कार भरे हुए, 500 करोड़ मनुष्य आत्माएं, एक का भी संस्कार न मिले दूसरे से।
टेम्परेरी इस तन में आता हूँ। किस तन में? ब्रह्मा के तन में टेम्परेरी आता हूँ। टेम्परेरी मन 100 साल का संगम युग है। कितने समय के लिए आता हूँ? अठारह वर्ष क्यों? सन 47 से मुरली निकलती चली आई है कराची से। जब से मुरली निकलती चली आई है तो ब्रह्मा के तन से मुरली चलाई। जिस तन में भी प्रवेश करूंगा उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़े। तो ब्रह्मा के द्वारा सन 47 से लेकर के और 68 तक 21 वर्ष वाणी चली। वो 21 वर्ष 100 वर्ष में से टेम्परेरी कहें या स्थाई कहें? टेम्परेरी कहेंगे। तो बाप बताते हैं मेरा तो ये शरीर नहीं है। कौन सा शरीर है? ब्रह्मा का जो शरीर है ये मेरा शरीर नहीं है। टेम्परेरी शरीर का आधार लेकर के आए इस मुख द्वारा बच्चों को समझाता हूँ। माता भी है ना? कौन? शिव बाबा। भी क्यों लगा दिया? ये किसके लिए लगाया भी? शिव पिता के लिए लगाया या ब्रह्मा के लिए लगाया? शिव पिता माता भी है ना? ब्रह्मा द्वारा माता है। कहते हैं तो दोनों है ना? शास्त्रों में तो क्या क्या लिख दिया है। अब भाग्यशाली रहते तो जरूर मनुष्य का ही होगा है? क्यों? बैल का रथ भाग्यशाली नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता है? इसलिए नहीं हो सकता कि बैल के मुख से ज्ञान कैसे सुनावेंगे? बैल तो जानवर होता है। ज्ञान मनुष्य सुनेंगे सुनावेंगे या जानवर सुनेंगे सुनावेंगे? मनुष्य सुनेंगे सुनावेंगे। मनुष्यों को मन होता है, बुद्धि होती है। मन बुद्धि होने के कारण वो वाइब्रेशन को कंट्रोल कर लेते हैं। जानवरों में मन बुद्धि उतनी तीक्ष्ण थोड़ा ही होती है मनुष्यों जैसी। तो मनुष्य तन में ही आऊंगा ना। उन्होंने बैल दिखाई दिया है। भाग्यशाली रथ बैल को तो नहीं कहेंगे। अरे बैल को भाग्यशाली रथ कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे। बाकी कोई घोड़े आदि की बात नहीं है, न लड़ाई आदि की कोई बात है। तुम जानते हो माया से ही हमको लड़ाई करनी है। गाया भी जाता है माया ते हारे हार, माया ते जीते जीत। मन के हारे हार मन के जीते जीत नहीं कहा जाता है? कहा जाता है। फिर इंद्रिय जीते जीत नहीं, जगत जीत नहीं कहा जाता? कहा जाता।
इसका मतलब तीनों का कनेक्शन है। ग्यारहवीं इंद्रिय मन है और मन सब इंद्रियों में प्रधान है, मुखिया है। कोई भी इंद्रिय से सुख तब तक नहीं भोगा जा सकता, दुख तब तक नहीं भोगा जा सकता जब तक मन उसके साथ लिपायमान न हो। क्या मन दूसरी ओर लगा हुआ है और आंखें खुली हुई है, कोई व्यक्ति सामने से निकल जाते हैं तो उस व्यक्ति का चेहरा मोरा याद रहता है नहीं याद रहता? क्यों भूल गया? भले आंखें खुली हुई हैं, लेकिन आंखों ने अपना विषय ग्रहण नहीं किया क्योंकि मन दूसरी ओर लगा हुआ है। तो जिसको मन होगा उसी को तो राजयोग सिखाएंगे। बैलों को मन बुद्धि होती है क्या? बैल को आवेग आवेगा वो मन बुद्धि से सोचने बैठेगा क्या करूं या न करूं? वो तो कर पड़ेगा क्योंकि जानवर बुद्धि है। मन से सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि ऐसे समय में ऐसे स्थान में ऐसे व्यक्ति के साथ मैं ऐसे करूंगा तो क्या अंजाम होगा, 20 बार सोचेगा। तो मैं मनन चिंतन मंथन वाले मनुष्य में आता हूं, नाम ही पड़ा है क्या, मनुष्य, मनु की औलाद। मनन चिंतन मंथन करने वाले की औलाद। ब्रह्मा ने मनन चिंतन मंथन किया क्या? जो शिव ने उनके मुख से बोल दिया वो सुन लिया, उनसे ज्यादा तो मनन चिंतन मंथन मम्मा का होता था, ओम राधे मम्मा। बाकी ब्रह्मा बाबा का मनन चिंतन नहीं होता, इसलिए बाबा उनको नाम दिया, टाइटल दिया क्या, ये ब्रह्मा तो जैसे बेबी है। ब्रह्मा को क्या नाम दिया? बेबी। जैसे बच्चा बुद्धि होता है, कुछ सोचता विचारता नहीं है, ऐसे नाम दे दिया। तो ब्रह्मा के द्वारा भाग्यशाली रथ का पाठ नहीं कहेंगे, फिर किसका कहेंगे? हैं? बड़ी माँ का पाठ बजाया। गाया जाता है माया से हारे हार, और माया 11 इंद्रियों में ज्यादा अटैक करती है कि पहले मन में अटैक करती है? पहले मन में अटैक करती है, मन को अपने कंट्रोल में कर लेती है। याद करने बैठे मन बुद्धि लगाई याद में और माया मन को उड़ा ले जाती है। मन उड़ गया, 11वीं मुख्य इंद्रिय कंट्रोल में आ गई, तो और इंद्रियां आहिस्ते आहिस्ते अपने आप माया के कंट्रोल में आ जाती। तो कहते हैं माया ते हारे हार, मन ते हारे हार, और फिर मन का विशेष कंट्रोल होता है आंखों के ऊपर अथवा काम इंद्रिय के ऊपर। आंख से शुरुआत होती है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की, मन के अंदर काम विकार आएगा तो आंखों से झलकेगा, क्रोध आएगा तो आंख से झलक पड़ेगा,
तो कहा जाता है काम जीते जगत जीत। काम का कनेक्शन है काम इंद्रिय से। अगर किसी ने काम इंद्रिय को जीत लिया तो जैसे सारा जगत जीत लिया। क्रोध जीते जगत जीत नहीं कहा जाता क्या? काम जीते जगत जीत। तो तुम बहुत अच्छी रीति ये बातें समझा सकते हो, परंतु अभी तुम सीख रहे हो क्या? एक होता है सीखने वाला और एक होता है टीचर सिखाने वाला। जो सिखाने वाला टीचर होता है वो ट्रेंड होता है या सीखने वाला ट्रेंड होता है? सिखाने वाला ट्रेंड होता है। तो अभी तुम सीख रहे हो, माना अभी तुम ट्रेंड नहीं बने हो। ट्रेंड कब बनेंगे? हैं? अभी तुम सीख रहे हो लेकिन ट्रेंड कब बनेंगे? ट्रेनिंग स्कूल में ट्रेंड बनेंगे या सामान्य पढ़ाई स्कूल में ट्रेंड बनेंगे? हैं? पहले पढ़ाई पढ़ते हैं कि पहले ट्रेनिंग करते हैं? पहले पढ़ाई पढ़ते हैं, चाहे बेसिक पढ़ाई पढ़े और चाहे ऊंची पढ़ाई पढ़े, और पढ़ाई पढ़ने के बाद फिर करते हैं ट्रेनिंग। तो अभी तुम सीख रहे हो क्या कि असली राजयोग क्या है और राजयोग की गहराई क्या है? वो सन्यासी लोग तो शरीर के योग सिखाते रहते हैं, प्राणायाम की प्रक्रियाएं सिखाएंगे, देह के आसन सिखाएंगे। उनका नाम रख दिया है योग। अब वास्तव में तो वो देह के योग है। देह के योग लगाने से देह स्वस्थ बनेगी या मन बुद्धि रूपी आत्मा स्वस्थ बनेगी? मन बुद्धि आत्मा स्वस्थ बन जाएगी, देह स्वस्थ बनेगी। अरे पहलवान है, पहलवान दंड बैठक करता है तो दंड बैठक करने से उसका शरीर मजबूत बनेगा या आत्मा मजबूत बनेगी? वो पहलवान बन जाता है शरीर से, लेकिन मन कैसा हो जाता है? थर बुद्धि हो जाती है पहलवानों की। तो देह का योग अलग, देहधारी सिखाते हैं देह की योग, और रूहानी बाप सिखाता है आत्माओं का योग। आत्मा कैसे कॉन्सेंट्रेट की जाए, मन बुद्धि कैसे एकाग्र किया जाए। मन कंट्रोल में आया तो तन भी कंट्रोल में आ जाएगा, और तन से धन कमाया जाता है तो धन भी कंट्रोल में आ जाएगा। तन मन और धन तीनों कंट्रोल में लाने के लिए और जन्म जन्मांतर के लिए कंट्रोल में लाने के लिए सिर्फ राजयोग बाप ही आकर के सिखाते हैं। अब चाहे तो कोई राजाओं का राजा बने और चाहे तो कोई अभ्यास न करे, बाप जो पढ़ाई पढ़ाते हैं पढ़ाई न पढ़े तो दास दास ही बनता रहे, प्रजा वर्ग में जाता रहे। कोई कोई बच्चे ऐसे भी हैं जो सीखते हैं, सीखते सीखते फिर गिर पड़ते हैं। एकदम पट्ट में जाकर गिरते हैं क्या? पुरुषार्थ की उड़ान ऊंची उड़ेंगे, उड़ते उड़ते एकदम पट्ट में जाकर गिरते हैं। बहुत ऊंची उड़ान उड़ जाते हैं क्या? पुरुषार्थ में बहुत पीछे और बहुत ऊंचे उड़ जाते हैं, और जाने के बाद कहां गिरते हैं? पट्ट में गिरते हैं। जमीन पे आके जैसे कोई पट्ट गिरता है ना, ऐसे गिर जाते हैं। तो क्या बन जाते हैं?
पट्ट में गिरते हैं तो पट्ट रानी बन जाते हैं। माया बड़ी दुस्तर है, कोई लून पानी खिटखिटते हो पड़ते हैं। दो बहनों का भी आपस में बनता नहीं है। आपस में लून पानी हो पड़ती है। तुम्हारी आपस में कोई खिटपिट नहीं होनी चाहिए। बाहर वालों से खिटपिट हो जाए तो माया उतना आक्रमण नहीं करेगी, लेकिन अंदर अंदर आपस में अगर खिटपिट हो गई तो माया का कड़क बार हो जाता है। आपस में कोई खिटपिट नहीं होनी चाहिए। खिटखिट होगी तो बाप कहते हैं यह है क्या सर्विस करेंगे। ये खुद ही धनी को नहीं जानते। जो धनी के हैं नहीं वो धनी बाप का परिचय क्या देंगे। परिचय कौन देंगे। जो खुद धनी के बने होंगे वो ही तो दूसरों को धनी का बनाएंगे। बहुत अच्छे अच्छे नंबर वन नंबर टू का भी ऐसे हाल हो जाता है। क्या कहा नंबर वन का भी ऐसा हाल हो जाता है। अरे पुरुषार्थ करने वालों में नंबर वन कौन और नंबर वन और नंबर टू कौन है। ब्रह्मा बाबा कहाँ नंबर टू है। ब्रह्मा बाबा तो अगले जन्म में जाके प्रारब्ध पाएंगे, इस जन्म में तो प्रारब्ध ही नहीं पाते है। हाँ जो नंबर वन है यहाँ पढ़ाई पढ़ते तो यही प्रारब्ध पाएंगे या अगले जन्म में पाएंगे। तो उस लिस्ट में ब्रह्मा बाबा तो आते ही नहीं। जो पढ़ाई पढ़ते हैं और पढ़ाई पढ़ के इसी जन्म में प्रारब्ध पाते हैं उनमें नंबर वन है प्रजापिता और नंबर दो जगदम्बा। वो चंद्रवंश की है और प्रजापिता सूर्यवंश का है। सूर्यवंशियों के ग्रुप में सूर्य हुआ मुख्य और चंद्रवंशियों के ग्रुप में चंद्रमा हुआ मुख्य। तो जो नंबर दो और नंबर एक में जाने वाले हैं उनका भी ऐसा हाल हो जाता है। कैसा कैसा हाल हो जाता है। अरे अभी तो बताया आपस में ही खिच खिच करने लग पड़ते हैं। आपस में ही लड़ मरते हैं तो रिजल्ट क्या होगा है। बाप का परिचय दे सकेंगे, धनी का बना सकेंगे, नहीं बना सकते। ऐसा हो जाता है। ऐसा होता है क्या है। होता है कि नहीं होता है। होता है कब हुआ कब होता है। हुआ कि होता है या आगे चल के होगा। हाँ पीछे भी हुआ है। कब यज्ञ के आदि में भी झगड़ा हुआ, अंदर ही खिचखिच हो गई तो टूट गई है माला मोती बिखर गए। बाबा बार बार माला बनाते थे और बार बार माला बिखर जाती थी। क्यों बिखर गई। क्योंकि ब्राह्मणों के परिवार में जो मुख्य पहले नंबर और दूसरे नंबर के मणके थे वो ही आपस में लड़ मरे। और अभी भी अंदर वाले रह जावेंगे बाहर वाले ले जावेंगे। अंदर वाले माने रुद्रमाला
अभी पढ़ाई किसकी चल रही है? हैं? रुद्रमाला वालों की पढ़ाई चल रही है, वो अभी पढ़ भी रहे हैं। तो अंदर वाले रह जाएंगे और बाहर वाले जो विजय माला है, जो बेसिक में चल रहे हैं, वो ले जाएंगे। तो फायदा हुआ या नुकसान हुआ? हैं? उनकी विजय माला तैयार होगी और रुद्रमाला भटकती रहेगी। फिर बाद में जो जो रुद्रमाला के मन के विकारों पर विजय प्राप्त करते जाएंगे, वो मन के विजय माला में ऐड होते जाएंगे। अभी माला बनाई जाए तो कहेंगे यह डिफेक्टेड माला है, क्या कोई काने हैं, कोई बूचे हैं, कोई अंधे हैं, कोई लूले हैं, कोई लंगड़े हैं, सब डिफेक्टेड हैं, कोई को हाथ नहीं है, सहयोग दे ही नहीं सकते, पढ़ाई पूरी पढ़ेंगे, रेगुलर पढ़ाई पढ़ेंगे, पंक्चुअल पढ़ेंगे, लेकिन सहयोग रूपी भोजाएं गायब। कोई को टांगे ही नहीं है, क्या पुरुषार्थ में आगे चल ही नहीं सकते, दौड़ने की तो बात ही छोड़ो। कोई लंगड़े हैं, लंगड़े हैं तो फुदक फुदक के चलेंगे भी थोड़ा बहुत, लेकिन उतना आगे तो नहीं बढ़ सकते। इसलिए भक्ति मार्ग में रुद्रगणों को कोई मुखहीन बुटुल मुख काहू, कोई को अनेक मुख हैं, छह मुख हैं, सन मुख, क्या किसको थे छह मुख? हाँ, कार्तिकेय को, और कोई मुखहीन, पूरा मुख है ही नहीं, ऐसे ही बिना मुख के धड़ दौड़ता रहता है। कोई काने हैं, कोई बूचे हैं, कोई लंगड़े हैं, कोई कैसे हैं, सब डिफेक्टेड। अभी अगर माला बना दी जाए तो डिफेक्टेड माला कहेंगे। कहेंगे इनमें अर्जुन ये है, ये है अवगुण है, रुद्रमाला के सारे मणकों में अवगुण है क्या? हाँ, एक में नहीं है। अच्छा, एक में अवगुण नहीं है? अगर एक में अवगुण नहीं रहेगा तो कोई में भी अवगुण नहीं रहेगा। एक पावन बन जाएगा तो सब पावन बन जाएंगे। एक किसके लिए बोले हैं? प्रजापिता के लिए। प्रजापिता कहता मैं तो आगे जाता नहीं हूँ, मैं तो बाप हूँ, मैं तो बच्चों को आगे करूंगा, माता को आगे करूंगा। बाप तो कहते हैं माता गुरु आगे या बच्चे आगे? पहले माता गुरु आगे, फिर बच्चे आगे, बाद में बाप। तो बोला ड्रामा प्लान अनुसार बाबा सर्विस कराते रहते हैं, माने रुद्रमाला के मन के खुद नहीं सर्विस करते हैं, सर्विस कौन कराते रहते हैं? हैं? बाप दादा बच्चों में प्रवेश करके सर्विस कराते हैं, जिनमें खुद ही डिफेक्ट है, वो दूसरों की सेवा क्या करेंगे? कोई को अहंकार आ जाता है, हमने इतनी सेवा की, हमने इतनी आत्माओं को कन्विंस किया,
वास्तव में जो खुद ही डिफेक्टेड है वो किसी को कन्विंस नहीं करते। हाँ हिम्मत वाले हैं क्या, जो जन्म जन्मांतर के राजाएं हैं, राजा बनने वाली आत्माएं हैं, उनमें विशेष गुण क्या होता है? हिम्मत का विशेष गुण होता है। हिम्मत बच्चे तो मदद बाप बन जाता है। उनके जन्म जन्मांतर के संस्कार हैं हिम्मत करने के। यहाँ भी ऐसे ही है, जो बच्चे हिम्मत करते हैं तो बाप दादा उनमें प्रवेश करके मददगार बन जाते हैं और सर्विस को सफल करा देते हैं। तो ड्रामा प्ले अनुसार बाबा ही सर्विस कराते हैं, डायरेक्शन देते रहते हैं। कहते हैं दिल्ली में घिराव डालो, क्या कहां से आवाज निकलेगा? सबसे ज्यादा सर्विस कहां होनी है, कौन से शहर में? दिल्ली ही एक ऐसी राजधानी है दुनिया की जहां सर्वधर्म के लोगों ने राज किए हैं। सर्वधर्म के संप्रदाय दिल्ली की गोद में पले हैं और सबने दिल्ली के ऊपर आक्रमण किया है। सबने नंबरवार दिल्ली को जीता है, भोगा है। तो बाप बच्चों से भी कहते हैं क्या करो, दिल्ली का घिराव डालो। कैसे घिराव डालेंगे है? दिल्ली की एक तरफ है उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद जिला, और तीन तरफ है हरियाणा। तो उत्तर प्रदेश और हरियाणा में जाके बस जाएंगे क्या है? अरे उससे काम चल जाएगा? हाँ, जड़ का घेराव बाद में, पहले क्या करें? पहले चैतन्य दिल्ली जो है उसका घेराव डालो। क्यों उसका घेराव क्यों डालो? क्योंकि दिल्ली का सुधार सारी दुनिया का सुधार, दिल्ली का परिवर्तन सारे भारत का परिवर्तन हो जाता है। तो क्या दिल्ली बिगड़ी हुई है? हैं? दिल्ली ज्यादा बिगड़ी हुई है क्या? हैं? अगर भ्रष्टाचार को खत्म करना हो दुनिया भारतवर्ष में से, तो पहले कौन से शहर में भ्रष्टाचार खत्म कर दिया जाए तो सारे देश में खत्म हो जाएगा? दिल्ली में। दिल्ली में घिराव डालो ईश्वरीय सेवा का। ये काम सिर्फ एक को थोड़ा ही करना है क्या? घिराव डालने का काम एक वहां दिल्ली में जाके बैठ जाए और घिराव डाले मनसा वाचा कर्मणा, तो काम पूरा हो जाएगा क्या? हो जाएगा? नहीं होगा। अरे पावरफुल के लिए क्या चाहिए? संगठन भी पावरफुल संगठन चाहिए। तो एक को थोड़ी, एक को नहीं करना है सिर्फ, आपस में मिलकर के राय करनी है। सब एक की मत पर होना चाहिए, ऐसे नहीं कि दिल्ली का घेराव डालने के लिए सब अपनी अपनी ढपली और अपना अपना राग लापने लगे। कोई किस टाइम पर आक्रमण करे, कोई किस टाइम पर आक्रमण करे,
कोई अपने तरीके से एक तरह से एक स्थान से आक्रमण करे, दूसरे स्थान से आक्रमण करे, जैसे राजा होते हैं ना, कोई देश को कोई राजधानी को जीतना होता है तो क्या करते हैं, पहले चारों ओर से घेराव डालते हैं। तो एक राजा की मत पर करेंगे, एक की मत पर होकर के घेराव डालेंगे तो सफलता मिलेगी, या अपने अपने तरीके से करेंगे तो सफलता मिलेगी? एक की मत पर करेंगे तो सफलता मिलेगी, पूछ पूछ के करेंगे। तो सबकी एक मत पर, हाँ सब एक की मत पर होना चाहिए। बाबा तो एक है ना, दो चार बाबाएं तो नहीं है। मददगार बगैर थोड़े ही काम करेंगे। तुम सेंटर्स खोलते हो, जो मदद करने वाले हैं कहते हैं हाँ बाबा, अगर मदद देने वाले ना होंगे तो कुछ भी नहीं कर सकेंगे। घर में भी मित्र संबंधी आदि आदि आते हैं, वो आने वाले मित्र संबंधी आकर भले गाली देवे, गाली देते हैं कि नहीं? कभी घर में आते हैं, ग्लानी करते हैं, गाली देते हैं, उनका तो डर नहीं रखना चाहिए। किनका? जो भी मित्र संबंधी आते हैं, गाली देते हैं, ग्लानी करते हैं, उनसे डरने की बात, डरने की बात नहीं है। गाली तो खानी ही पड़ेगी। क्यों? हम गलत काम नहीं कर रहे हैं तो हम गाली क्यों खाएंगे? हैं? क्यों खानी पड़ेगी? ऐसी क्या मजबूरी है? फिर कोई कारण होगा। अरे पूर्व जन्म में हम ही राजा बने थे ना, राजघराने में थे ना, तो राजघराने के जो भी भांति होते हैं या राजा रानी होते हैं, कितने अहंकार में रह करके द्वापर कलयुग में चलते हैं। तो हमने जो विकर्म जिनके जिनके साथ किए हैं, राजाएं किसी की बात नहीं मानते थे, और राज परिवार के बच्चे भी बड़े अड़ियल होते थे, कोई की नहीं सुनते थे। कोई अच्छी बात भी बोले तो अपन ही चलाना, उनकी बात नहीं सुनना। अभी उल्टा होगा कि नहीं? अभी हम अच्छा कर रहे हैं वो नहीं समझते हैं, और पूर्व जन्मों का हमसे हिसाब किताब लेंगे या नहीं लेंगे? तो गाली तो खानी ही पड़ेगी। अभी तुम जैसे बंदरों के गांव में हो क्या? कहाँ है बंदर? गांव का नाम क्या है जहाँ ज्यादा बंदर? तुम बंदरों के गांव में हो, वो बंदर तुमको काटते ही रहेंगे। क्या? तुम कितना भी अंत तक अच्छा से अच्छा काम करते रहो, हैं? वो बंदर तुमको काटते ही रहेंगे। क्यों? कोई हिसाब किताब होगा ना? तुमको काटते ही रहेंगे। बंदर बुद्धि आपस में एक दो को काटते रहते हैं ना, तो तुम बच्चों की हर बात में इकट्ठी राय होनी चाहिए। एक की अलग राय, दूसरे की अलग राय, तीसरे की अलग राय, और अपनी अपनी राय पर अपनी अपनी ढपली बजाते हुए चल पड़े, उससे फायदा
होने वाला नहीं है, सेंटर्स खोलते हैं तो भी सब मिलकर के खोले क्या? ऐसे नहीं कि इसने स्थान दिया तो हम काहे के लिए मदद करें। अरे जिसके पास स्थान है उसने स्थान दिया, जिसके पास पैसे हैं वो कंस्ट्रक्शन का इंतजाम कर सकता है, जिसके पास पैसे नहीं है स्थान भी नहीं है पढ़ा लिखा अच्छा इंजीनियर है तो मदद कर सकता है। कोई इंजीनियर भी नहीं है स्थान भी नहीं है पैसे भी नहीं है पढ़ा लिखा भी नहीं है, मजदूरी तो कर सकता है, मकान बनाने में मजदूरी का सहयोग दे सकता है। तो साहब की मदद से सेंटर खुलना चाहिए, ऐसे नहीं कि एक ही आदमी सारा खर्चा उठा ले, फिर क्या होगा, फिर उसका रिजल्ट क्या होगा ना? एक ही अटल छत्र सम्राट बन के बैठ जाएगा, सतो प्रधान स्टेज में तो सेंटर खोल देगा, फिर जब तामसी बनेगा तो सारा कंट्रोल करके बैठ जाएगा। इसलिए एक की मदद से सेंटर नहीं खुलना चाहिए, अपने अपने प्रकार की हरेक मददगार बने। सब मिलकर के सेंटर खोलें, लिखें बाबा हम ब्राह्मणी की राय से ये सब काम कर रहे हैं। सिंधी भाषा में कहते हैं बत्तबार है, तो और ही अच्छी सर्विस निकलेगी, अच्छी राय निकलेगी। कहां तो एक दो से राय भी नहीं लेते हैं, ऐसे ऐसे भी हैं, सिर्फ एक की ही राय निकलती रहती है, बाकी आपस में लून पानी होते रहते हैं। अच्छा ऐसे लून पानी होने से कोई काम हो सकता है क्या? बाबा कहेंगे हम क्या कर सकते हैं, क्या बच्चे आपस में लून पानी होते हैं लड़ते झगड़ते हैं तो कहते हैं बाबा आप छुमंतर काली कर दो, लड़ाई झगड़ा बंद हो जाए। बाबा कहते हम क्या कर सकता हूँ, तुम्हारे अंदर प्योरिटी नहीं है, यूनिटी नहीं बनती है, तो बाबा एक एक की यूनिटी और प्योरिटी बढ़ाएगा क्या? पुरुषार्थ किसको करना है, पवित्र बनने का पुरुषार्थ है सबको अपना अपना करना है, बाबा इसमें क्या करेंगे? जब तक तुम्हारा आपस में संगठन नहीं है, आपस में यूनिटी नहीं है, तो तुम इतना बड़ा कार्य कैसे कर सकेंगे? माना नहीं कर सकते। माना सारी बात कौन सी बात के ऊपर आकर रुक गई है? संगठन, संगठन माना यूनिटी भी तब बनेगी जब बंदरपना खत्म हो, प्योरिटी आए। छोटी दुकान बड़ी दुकान भी होती है ना, आपस में संगठन करते हैं, ऐसे कोई नहीं कहते बाबा आप मदद करो। लोग दुकानें खोलते हैं ना, छोटी दुकान खोलते हैं बड़ी दुकान खोलते हैं, कोई बड़े बड़े दुकानदार आपस में मिलकर के एक बड़ा कॉम्प्लेक्स खोल देते हैं, तो क्या भगवान से कहते हैं कि आप मदद करो? खुद पुरुषार्थ करते हैं,
ऐसे तो 7 सेंटर खोलते गए, कहे बाबा मदद करो। पहले तो मददगार बनाने चाहिए, फिर बाबा कहते हिम्मत बच्चे मदद है बाप। पहले तो अपनी मददगार बनाओ, बाबा इतना करते हैं, बाकी आप मदद दे। ऐसे नहीं, पहले आप मदद करो फिर हम आपस में करेंगे, नहीं। हिम्मते मर्दे मददे खुदा, उनका भी अर्थ नहीं समझते हैं। पहले तो बच्चों की हिम्मत चाहिए, कौन क्या क्या मदद देते हैं। मदद नहीं देते हैं तो सफलता नहीं होगी। ओम शांति।